तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से छलांग लगाने वाले हैं, देख सकते हैं नीचे मैं दिखाता हूँ। प्रेम भी छलांग लगाने के लिए तैयार है, ये देखो। हेलो एवरीवन, आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भर नमस्कार। मैं हूं मनमोहन और हमारे यूट्यूब चैनल नेता बस्ती ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ घूमने घाघी झरना, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ का वाटरफॉल है और बहुत ही फेमस है। सरगुजा ज़िले में पड़ता है ना? हाँ, सरगुजा ज़िले में। और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का नेचुरल व्यू। और मेरे साथ भाई प्रेम शंकर हैं, जो कि यहीं का है, नवापारा, यहाँ से 2 किलोमीटर जो मेन रोड पड़ता है वहाँ का। तो आइए आप लोग भी कभी घूमने के लिए, मनमोहन फ्रेंड को और सपोर्ट भी कीजिएगा थोड़ा। देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ का वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ आके थोड़ा कुछ अलग ही लेवल का आनंद मिल रहा है, बहुत नेचुरल जगह है। आप भी आइए घूमने, इंजॉय कीजिए और यहाँ का और दिखाते हैं अच्छा अच्छा लोकेशन। तो भाई यहाँ आने के बाद बहुत ही मजा आ रहा है, देख सकते हो कितना बेहतरीन मौसम था है। तो गाइस आप लोग भी आओ यहाँ और इंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और किसी के साथ भी आ सकते हो। बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों, शब्दों में इसको बयां करना मुश्किल है, इतना अच्छा व्यू फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। तो इस नेचुरल और अल्टीमेट जगह पे हम लोग ने तो फोटो शूट कर लिया है और करा भी लिया है, और बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। यहाँ आप लोग भी आ सकते हो, पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे, पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हो। अभी मार्च अप्रैल तक आओगे तो बहुत यहाँ का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे मई जून आएगा, इसके बाद थोड़ा सा पानी का जो फाल है वो कम हो जाएगा, तो आप लोग मार्च में ही आ सकते हो, बहुत अच्छा। अभी का पानी उतना ज़्यादा भी नहीं रहता है और कम भी नहीं रहता है, यहाँ पे आके एक बार एक्सप्लोरिंग करो, बहुत ही मज़ा आएगा गाइस। और हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया, और दिखाते हैं यहाँ का दूसरे जगह का भी नज़ारा आप लोगों को। तो गाइस देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आकर थोड़ा सा मन को एक अलग ही लेवल का शांति मिलता है, तो आप भी आ सकते हो घूमने के लिए। और अभी देख सकते हो, अभी समय लगभग 10 ही बज रहा है और टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हो, अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो आप भी आओ और इंजॉय करो, देख सकते हो यहाँ का पूरा क्लाइमेट किस टाइप से है, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ, और नदी बीच में है, पत्थर है और वाटरफॉल है, देखने में अलग ही लेवल का
सुकून मिलता है गाइस। तो आइए आप भी और इंजॉय कीजिए। और गाइस क्या ही बताया यार, यहाँ तो आके अलग ही लेवल का आनंद मिल रहा है। देख सकते हैं एक से एक वाटरफॉल अलग अलग प्रकार के। ये देख सकते हो यहाँ पे और एक वाटरफॉल है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जैसे पिकनिक विकनिक मनाने के लिए, उन लोग दोना पत्तल को ऐसे ही फेंक दिए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा जगह में आप लोग अगर गंदगी करोगे तो फिर ठीक बात नहीं है ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो। कहीं भी जाते हो तो थोड़ा सा अपने साथ ही उस कचरे को कहीं अच्छे मतलब कचरे वाले जगह पे ही रखोगे तो ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लोकेशन बहुत ही अच्छा है यार, क्या ही बताएं, अव्वल, इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप भी आओ और एंजॉय करो यहाँ का नेचुरल व्यू। हम लोगों को नहाना भी था तो हम लोग नीचे से आ गए। नहाने के लिए बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो। फटाफट हम लोग नहाते हैं, इसके बाद चलेंगे प्रेम के यहाँ। वहाँ से फिर रेडी होकर फिर मैं पार्ट के लिए निकलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से छलांग लगाने वाले हैं, देख सकते हो नीचे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से, बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ बच्चे लोग नहा रहे हैं, देख सकते हो, दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ठीक है, जा रहा हूँ, रुको। प्रेम भी छलांग लगाने के लिए तैयार है। ये देखो, बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। आप भी आ सकते हो यहाँ पे स्विमिंग के लिए। और देख सकते हो आप बच्चे लोग भी कैसे लगा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे फिर भी नहीं डरते। मेरे को तो थोड़ा सा डर लगता है। ये लगा लगा तुम लोग भी।
छोटू तू भी लगा रे। रेडी। सो गाइज, नहाने के साथ साथ बहुत ही इन्जॉय किए और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।